हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपनी लास्ट टाइप को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस साइन एक्स की पावर साइन एक्स। तो अब अगर देखो इसमें एक्स को डालो जीरो तो ये क्या बन गया, जीरो, और साइन एक्स की प्लेस में डालो जीरो तो ये बन गया जीरो बाय जीरो फॉर्म। और आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जब भी जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया उसको वाई लेट कर दो। तो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, इसको मैंने वाई लेट कर दिया। फिर क्या करोगे, लॉग अप्लाई कर लो, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। अब क्या आ गया, लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स log x, ऐसे आ गए। अब क्या करोगे, दोनों तरफ लिमिट लगा दो x approaches to 0 plus, this implies limit x approaches to 0 plus log of y किसके बराबर आ जाएगा, limit x approaches to 0 plus sin x into log x। अब sin x में 0 डाला तो sin 0 कितना होता है, 0, log 0 कितना होता है, infinity, तो ये क्या बन गई, 0 into infinity form। तो इधर लिख दिया 0 into infinity form। फिर मैंने आपको बताया था जब भी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बने तो आप किसी एक को नीचे ले आओ, तो इधर साइन को नीचे लाना ज्यादा आसान रहेगा। तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स, साइन को नीचे लाया तो वो क्या बन गया, कोसेक एक्स। आपने जीरो को नीचे लाया तो अब ये बन जाएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसमें लगाना है एल हॉस्पिटल रूल। तो आप लिखोगे बाय एल एच रूल, तो क्या एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस न्यूमिरेटर की डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, कोसेक की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। अब ये माइनस बाहर आ गया, रिमेनिंग रहा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस कोसेक ऊपर चला गया तो कोसेक बन गया साइन एक्स, तो नीचे आ रहा था वो नीचे रहा एक्स और कॉट एक्स, ये कोसेक ऊपर चला गया एक्स नीचे आ गया। अभी आपको पता है कि साइन एक्स बाय एक्स हमेशा क्या होता है, वन, जब एक्स अप्रोच करे जीरो के पास, तो अभी वही कंडीशन है। इसलिए लिमिट की वजह से एक्स अप्रोच टू जीरो प्लस की वजह से ये क्या बन गया, वन, और जो कॉट एक्स है वो ऊपर आ गया, उसको क्या लिखेंगे हम, टेन एक्स, ठीक है। और इधर रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो प्लस साइन एक्स बाय एक्स क्या आता है, वन आता है। अब क्या करोगे, अब आपने x को डाल दिया जीरो तो कितना आ गया, tan जीरो, tan जीरो कितना होता है, जीरो। तो स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू जीरो प्लस log y वो आपकी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। फिर मैंने वो कल बताया था, अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड log है, अगर आप log को हटा देते हो तो वो बन जाएगा e की पावर जीरो, और e की पावर जीरो कितना होता है, वन, और जो ये y है ये आप ऊपर से दोबारा वैल्यू डाल दो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस, और जो भाई है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, एक्स की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने कल के लेक्चर में भी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अब हाँ, कुछ क्वेश्चन रहते थे बुक के, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स की पावर वन बाय लॉग एक्स। x को 0 डाला तो नीचे बन गया 0, log 0 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या रेसिप्रोकल, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो ये बन गया आपकी 0 बाय 0 फॉर्म। अच्छा, जैसे आपकी 0 बाय 0 फॉर्म बनी तो आप इस क्वेश्चन को y लेट कर दो, x अपॉन x की पावर 1 बाय log x, दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया तो log भाई किसके बराबर आ गया, log ऑफ x की पावर 1 अपॉन log x। अब ये कितना आ जाएगा, log y इज इक्वल टू 1 अपॉन log x इंटू log x, ठीक है। अगर अब आप ध्यान से देखो तो log x कट ही गया ना, तो log y किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। अब आपने लिमिट लगा दी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस log y, तो लिमिट इस साइड पे लगेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1, अब लिमिट x पे लगेगी ना तो जो राइट साइड है उसके पास x है ही नहीं तो 1 नहीं रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस log y।
अब जैसे ही मैं log लेफ्ट साइड से कैंसिल करूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस y इज इक्वल टू e की पावर 1 इज इक्वल टू e। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसमें y की जैसे ही वैल्यू डालोगे, वो y था क्या आपका x की पावर 1 बाय log x, तो x की पावर 1 बाय log x आपका आंसर कितना आ रहा होगा, e आ रहा होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने y की वैल्यू डाल दी, तो बुक में देख लेते हैं आंसर किसका, इसका बुक में भी आंसर क्या है, ई ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, इधर क्या है एक्स माइनस ए और पावर में भी क्या है एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखो जैसे आपने ए डाला तो जीरो की पावर जीरो फॉर्म, अगेन क्या करोगे लेट कर लोगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर x माइनस ए। अब दोनों तरफ log लगा देंगे तो log y कितना आ गया, log ऑफ x माइनस ए की होल पावर x माइनस ए, ये कितना आ गया log ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस ए log ऑफ x माइनस ए। अब आपने दोनों तरफ लिमिट लगा दिया, therefore लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू लॉग एक्स माइनस ए, ऐसे ही हमने हर क्वेश्चन में किया। अब आप बच्चों अगर ध्यान से देखो, अगर आपने इधर ए डाला तो ए माइनस ए कितना हो जाएगा जीरो, ए माइनस ए जीरो और लॉग जीरो कितना होगा इन्फिनिटी। तो अब हम क्या करेंगे, किसी ए को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब log को नीचे लाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा log x माइनस ए को तो वैसे ही रखूंगा, x माइनस ए को नीचे लाऊंगा तो वो आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस ए। हमें कुछ इस हिसाब से नीचे लाना कि क्रॉस करके वापस से वो बन जाए, ऐसा नहीं करना फिर आपके नीचे रख दिया, अपनी मर्जी से वो नहीं लगा सकते हैं, हमें वो रूल लगाने जो मैथमेटिकली भी ट्रू हो, रेसिप्रोकल करोगे तभी नीचे आता है। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे लाते थे, वो जब मैं ऊपर कॉट था तो नीचे टैन लिखता था, मैं नीचे कॉट नहीं लिखता था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने इन्फिनिटी वाले को ऊपर रखा, जीरो वाले को नीचे लाया, तो ये बन गई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अच्छा, अब क्या लगाओगे, बाय एलएच रूल। तो जब आपने एलएच रूल लगा दिया तो कितना आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस लॉग की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और नीचे 1 अपॉन एक्स माइनस ए की माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस ए की 1। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये कितना आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई और वो नीचे आ गया एक्स माइनस ए और ये आया पूरे का माइनस, तो एक्स माइनस ए और ये टू कट गया। अब आपने अगर ए डाला तो कितना आया, माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर आपके पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस log of y is equal to zero। तो इसके बाद क्या आ गया, लिमिट x approaches to a plus log हटा दिया तो y आ गया e की पावर जीरो और e की पावर जीरो कितना होता है 1, और आपने जो y है उस y को दोबारा ऊपर से ले लिया और जैसे आपने y की वैल्यू वापस डाली तो y हमारा इस क्वेश्चन में क्या है x माइनस a की पावर x माइनस a, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये सब हमने कल के लेक्चर्स में किया था, आज बस हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते थे तो ये मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करवा रहा हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो और क्वेश्चंस करेंगे बुक के, देखो अब इस टाइप के भी क्वेश्चंस बुक में, लिमिट x approaches to infinity 1 plus x की पावर 1 by x, तो अगर आप इसमें infinity डालो तो 1 plus infinity होता है infinity और 1 by infinity होता है 0। 1 plus infinity क्यों होता है infinity, infinity आगे बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर आप 1 ऐड करो तो वो बहुत बड़ी रहेगी। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन में सेम y ले लिया, y is equal to 1 plus x की पावर 1 by x, लॉग अप्लाई कर दिया तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग
वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स, फिर और सॉल्व किया तो कितना आ गया लॉग बाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स, लॉग वन बाय एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें लिमिट लगा देंगे, तो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाय एक्स इंटू लॉग वन बाय एक्स। अब आपने इन्फिनिटी डाला तो वन बाय इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, इन्फिनिटी ठीक है, लॉग इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, तो बन गई जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये कितना आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो x है ये तो ऑलरेडी नीचे है ना, तो इसको आप ले आओ नीचे, ये तो ऑलरेडी अपॉन में है ना। अब देखो ध्यान से, अब आपने इन्फिनिटी डाला, ऊपर तो इन्फिनिटी रहा मगर जो x है वो भी क्या बन गया इन्फिनिटी, तो बन गई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ये इंडिकेशन होती है कि हम क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं, ठीक है, बाय एल हॉस्पिटल रूल, एल एच रूल। एल एच रूल क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी न्यूमिरेटर की डिफरेंशिएशन, तो लॉग की डिफरेंशिएशन होती है वन अपॉन वन प्लस एक्स, और नीचे एक्स की होती है वन, और ये कितना आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स। अब एक्स को डाला इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर बनेगा इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, तो इसलिए अब आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर लिमिट, क्या लिमिट ली थी, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग बाई एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग बाई क्या आ रहा है हमारे पास जीरो। अब क्या करेंगे, वही सेम स्टेप, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग हट गया तो ये आ गया ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो क्या आ जाएगी वन। अब वाई को वापिस से डाल दो, क्या बन रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वाई इस केस में क्या था वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स, वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स, और वो आपके पास क्या बन रहा है वन बन। ठीक है, अब एक बार बुक से भी इसका आंसर मिला देते हैं, बुक में क्या आएगा, तो बुक में भी इसका आंसर वन ही आ रहा है। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, काफी क्वेश्चंस कराए हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, प्रूफ लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस कॉट x की होल पावर x इज इक्वल टू वन, ये आपको प्रूफ करना है। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस कॉट x की पावर x, कॉट जीरो क्या होता है टैन जीरो का उल्टा, टैन जीरो क्या होता है जीरो, और जीरो का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म आ गई। अगर इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म आ गई फिर वही तरीका, y को क्या लेट कर देना है कॉट x की होल पावर x। अब दोनों तरफ क्या लगा लो, लॉग लगा लो, तो ये आ गया लॉग y इज इक्वल टू लॉग कॉट x की होल पावर x। अब ये कितना आ गया लॉग y, x पहले आ गया तो बना गया log of cot x। अब आपने लिमिट लगा दी, क्या लगा दी लिमिट x approaches to 0 plus, इधर आ गया log y और इधर आ गया लिमिट x approaches to 0 plus, इधर क्या लिखूंगा x into log of cot x, x into log of cot x। अगर अब आप ध्यान से देखो तो जब मैं x को 0 डालूंगा तो ये क्या आ गया 0, और जब मैं कॉट को जीरो डालूंगा, ये कॉट जीरो होता है इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी भी क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये बन गया जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, तो ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस। ठीक है, अब देखो लॉग को नीचे लाना आसान नहीं है, मुश्किल है, पावर माइनस में आ जाएगी जो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, इसलिए मैंने अवॉइड किया। तो एक्स को नीचे लाऊंगा, अब ये मतलब नहीं है एक्स को अपनी मर्जी से एक्स कर दिया फिर तो गलत हो गया ना, इससे ये थोड़ी बन सकता है, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि ठीक हो, तो वन बाय एक्स करना है। जैसे आपने x को नीचे लाया तो ये बेसिकली जीरो को नीचे लाया, तो अब डालो जीरो, वन बाय जीरो हो गया इन्फिनिटी, तो ये इंडिकेशन से आप क्वेश्चन को ठीक कर रहे हो। जीरो को नीचे लाओगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को नीचे लाओगे तो जीरो बाय जीरो बन जाएगा। अब जैसे आपको ये फॉर्म दिखी, जैसे हमें ये फॉर्म दिख गई, तो अब आप क्या लाओगे बाय एल एच रूल। एल एच रूल क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस न्यूमिरेटर की डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगी वन अपॉन कॉट x, cot x की क्या आएगी माइनस cosec square x, और नीचे 1 upon x की आ जाएगी माइनस 1 by x square।
अब क्या करोगे, ये माइनस हो, ये माइनस हो गया कैंसिल। अब थोड़ी सी पेशेंस के साथ इसको पहले सॉल्व करना है, डायरेक्ट वैल्यू मत डालना, ठीक है। तो ये आ गया ऊपर कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, नीचे कौन है कॉट एक्स, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर है नीचे, क्या है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वो चला गया उधर, तो क्या बन गया, या उसको अभी फिलहाल वैसे ही रख दो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही रहने दो। अब क्या कर सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर सकते हो। कॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, इस कॉट को कॉस बाय साइन, तो कॉस साइन नीचे लिखने के बजाय ऊपर लिख दिया। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसको लिखा, कोसेक स्क्वायर एक्स को, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, और साथ में क्या है कॉट के साथ ही था ना मल्टीप्लाई में वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैंने वैसे ही रहने दिया। अगर अब आप इसको ध्यान से देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, ये साइन एक्स और कॉस एक्स को एज इट इज रहने दो, इस वन को भी ऊपर एज इट इज रहने दो, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो साइन एक्स बाय एक्स के को होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, और जैसे आपने देखा साइन एक्स बाय एक्स है, तो आपको पता है ये चीज हमेशा क्या हो जाती है, ये चीज हमेशा क्या हो जाती है, वन हो जाती है। तो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू वन। साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना होता है, टैन एक्स। साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना होता है, टैन एक्स। अब एक्स को जीरो डाल दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टैन जीरो कितना होता है, जीरो। तो क्या निकल गया आपके पास, आपके पास ये निकल के आया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस लॉग वाई किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। और आपने हर क्वेश्चन में पढ़ा है, अगर ये जीरो के बराबर है तो आप इसको लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो कितना होता है, वन। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो मेरा वाई था वो क्या था, कॉट एक्स की पावर एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और ये सिंपल है, आपके पास कैलकुलेशन थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन तो आप कर लो, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको, क्लियर तो दिख रहा है, हाँ जी क्लियर दिख रहा है। तो ये आपका आंसर था कॉट एक्स की पावर एक्स का वन। तो ऑलमोस्ट बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ किसके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के। अभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं एक दो जो हमारे रहते हैं, वो कुछ आप मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन टॉपिक्स के ही हैं, मगर वो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो वो एक आधा कहीं जो शूट किया होगा, मैं एक बार दोबारा से बुक देखूंगा, तो वो मैं लास्ट के तीन चार लेक्चर में कवर कर लूंगा। तो ये जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ये आपकी आज कंप्लीट होती हैं। हमने जीरो बाय जीरो पढ़ी, हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पढ़ी, हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पढ़ी, जीरो इंटू इन्फिनिटी पढ़ी, और ये वाली लास्ट वाली कुछ फॉर्म्स पढ़ ली। और इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में, और कल हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पढ़िए और आपके नंबर अच्छे ही आएंगे, और आप इन लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।